डिब्बा दिख रहा है और कहीं कहीं तो ये छोटा डिब्बा पांच रुपए का ही मिलता है सो अभी क्यूट और इतनी सुंदर सी इयर बनाने वाले तो उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए प्लास्टिक ये मेन है अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कोई थिक होगी या फिर कोई पतली होगी आप कोई प्लास्टिक यूज कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ बहुत सारी बिंदी लेंगे आपको उन सबको निकाल के एकदम लाइन वाइज आप चाहे तो इसके अगर पिन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के बाद इसको हमें यूज़ करना मतलब सर्कल बनाना है और इतनी सुंदर ये इयर बनती है आपको पता है इंस्टाग्राम पर इसको मिलियंस में भी आए एकदम दो तीन फोर फोर फाइव मिलियंस में भी आए और जिसने ये बनाया था उसमें बहुत सारे लाइक आए सो आई होप मैं भी सोची मैं ही बनाती हूँ आप लोगों के लिए जैसा आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स है या फिर छोटे बच्चे हैं आप अपने पेरेंट्स के लिए मम्मी के लिए बना सकते हैं और ये मैं अपने सिस्टर के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी सिटा जाती है कॉलेज और पता है लिटरली उनको ये इतना पसंद आया इतना पसंद आया वो मुझसे बोलने लगी यार बहन तू सारे कलर का बना दे सबसे अच्छा मैं, मैं मैं तुझे ला के दूँगी सारे बिंदी अलग अलग, अलग कलर के तो सारे कलर के मतलब वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है आप सब देख सकते हैं सो अभी हम इसमें से लेंगे एक छोटी सी बीट आपके पास छोटी सी बीट तो होगी या फिर आप बीच में ना डायमंड भी स्टिक कर सकते छोटा वाला एकदम ठीक है जिससे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा शाइनिंग भी लगेगा अभी हमें एक और चीज़ चाहिए वो है ईयरिंग के पीछे लगाने के लिए जिससे हम ईयरिंग पहन पाएंगे और आपको पता है ये इजिली आपको लोकल शॉप में या आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा सच में आ, आपको पता है मैं जो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के मटीरियल आपको जो ये ग्लू दिख रहा है ये मैं लोकल मार्केट से खरीदा है मैं अपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही कम करती हूँ मतलब तो बहुत ज्यादा कम क्योंकि हम जो लोकल मार्केट की कोई चीज खरीदते हैं ना वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है और दूसरी बात उसमें इतनी सारी वेरायटीज होते हैं बहुत सारे वरायटीज होते हैं इसलिए मैं अपनी जो आर्ट एंड आपके मटेरियल्स है मोस्टली मैं अपने लोकल मार्केट से शॉप से खरीदती हूँ पर ऑनलाइन में इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है और इतना सामान भी नहीं मिलता और ये देखिए हमारी क्यूट सी इयरिंग बन भी गई और इतने पक पक करने के बाद आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सब बताना कि आप सबको कैसा लगा और आप सब नेक्स्ट वीडियो के सजेशन जरूर देना आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अवेजिक वीडियोस। बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में